को दुर्ग में घुसने का अवसर मिल भी गया तो हम छत्राणी उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। परंतु समस्त स्त्रियों ने तो जौहर चुना है, लेकिन हमने साका चुना है अपनी मातृभूमि के लिए, अपने मेवाड़ के लिए। जय भवानी, 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 जय भवानी। सौभाग्य की बात कि आज इस समय हम आप सब के साथ आज का यह क्षण इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण बनने जा रहा है। हमारे राजपूत शूरवीर अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राण निछावर करने इस दुर्ग से बाहर जा रहे हैं। अब अपनी गरिमा और गौरव की रक्षा के लिए हम जो साहसी बलिदान करेंगे वही उनके लिए इतिहास के पन्नों में रचे जाने वाले गौरव, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के सबसे बड़े युद्ध में प्रेरणा बनेगा, उन्हें निर्भीक बनाएगा, उन्हें बल देगा। और वैसे भी हम ऐसा कतई नहीं चाहेंगे कि शत्रु से लड़ते समय हमारे राजपूत शूरवीर हमारी चिंता से एक पल के लिए भी विचलित हो। हम तो चाहते हैं कि हमारे वीर इस बात से आश्वस्त रहे कि हम ईश्वर के उस जग में पहुंच चुके हैं। हमारा सर्वोच्च बलिदान हमारे शूरवीरों को जुझारू युद्ध करने की प्रेरणा दे और इसीलिए अपनी मर्यादा और गौरव की रक्षा के लिए आज हम इस अग्निकुंड को आलिंगन करने जा रहे हैं। हमारे विवाह की वेदी अग्नि के समक्ष पति के साथ जीने मरने के उस वचन को आज हम अग्नि में समाकर निभा रहे हैं। हम शत्रानियों को अपने प्राण से कई अधिक अपनी मान, अपनी मर्यादा, अपना गौरव दिया है। इससे पहले कि उन दुष्ट मलेच्छों के गंदे हाथ हमारे शील की ओर बढ़े, हम अग्नि माँ के आंचल में समा जाएंगे। हमारी पहचान ही बलिदान है और इस बलिदान से आज चित्तौड़ के इतिहास में एक ऐसा अध्याय लिखेंगे जिससे सैकड़ों वर्षों बाद लोग हमें याद करेंगे और हमारे इस बलिदान से प्रेरणा लेंगे। तो आइए दुर्ग के बाहर साका करने के लिए तैयार खड़े हमारे शूरवीरों को अपने जौहर से मातृभूमि के लिए सर्वस्व बलिदान करने की प्रेरणा दें। अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए तैयार हो गई है। मेवाड़ रे रण बकरो, तुम भी अपने कर्तव्य के लिए तैयार हो जाओ। साहब पारी अब तुम्हारी है दिखाने की कि हमारी शक्ति
मुगलों से कहीं भी कम नहीं है। किसी भी तुर्क का पांव पड़ना नहीं चाहिए इस दुर्ग में। जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी। कवच चढ़ाए जाओ सुहागर, खुशी खुशी क्षत्राणी श्रृंगार सजाए। घड़ी आ गई है सर्वोच्च बलिदान। हाँ, हम सब तैयार हैं। मर जाएंगे मिट जाएंगे वीर है ये अभिमानी। ना झुकना ना पीछे हटना, माटी ने इनको सिखाया। सदा आपके साथ रहेंगे। छाया बन गई कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति में हम चौहानों की आंखें नम नहीं होती। हमें आपके हाथों की बनाई हुई चूरमा बहुत याद आ रही है। सूरजमल जी, ये सब क्या है? जहां पना हवा में उड़ती अभी पवित्र भस्म इस बात का संकेत दे रही है कि अब ये राजपूत आत्मसर्ग अभियान की भावना से
किले से बाहर आने वाले। सभी फौज की टुकड़ियों को तैयार किया जाए। किले के चारों दरवाजों पर हमारी नजर होनी चाहिए। जी जहां बना। कल्ला, समय आ गया है, तैयार हो जाओ। काका, मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। बस इस युद्ध में आप मुझे अपने साथ लड़ने दीजिएगा। मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सैनिकों, द्वार खोल दो। गौरव और मान के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आज हम यहाँ अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। हम छत्राणियाँ हैं और आज वो समय आ गया है कि हम मुगलों को दिखा देंगे कि अगर उन्हें दुर्ग जीतना है तो केवल मेवाड़ के सैनिकों की ही नहीं, यहाँ की औरतों की लाशों से भी गुजरना होगा। आज हमें इस दीवार में बनी दरार को ही नहीं, मुगलों को हमारी आन को भी भेजने से रोकना है। हम सभी को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। कोई भी एक दूसरे को अकेला ना छोड़े। एक दूसरे की रक्षा भी हमें खुद ही करनी है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी।
चेतक, आपके स्वामी अचेत है। अभी हम दोनों को इन दोनों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। चलिए। ये ऐसे काबू में नहीं आएगा। पहले इसे हमारी फौज के अंदर आने दो, फिर घेरो इसे। राजपूत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भागने की कोशिश कर रहे हो? आज चित्तौड़ का एक भी आदमी नहीं बचेगा। पूरे 30,000 लोगों को मारने का हुक्म है। मार डालो इन्हें। जी नहीं नहीं नहीं, हम तो मासूम हैं। मुगलों के खेमे में से ही है। मुगल सेना के सेवक जी, हम वही है जिन्होंने मिट्टी का पहाड़ बनाया। और वो सवाल इसी के कारण हुसैन कुली खान ने हमें कहा कि तुम जाओ, तुम्हें कोई भी नहीं छू सकता। बल्कि सभी सिपे सरार हमसे खुश थे। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बैलगाड़ी में क्या है? जी हमारा सामान है। सामान है? हम खुद देखेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.